हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोही मोटर्स। और आज का टॉपिक है आपका टाटा इंट्रा V30, जिसका आज हम फ्यूज बॉक्स सारा कुछ एक्सप्लेनेट करेंगे कि क्या क्या काम आता है। और आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे ऊपर में दिया है वो है आपका हेडलाइट लो बीम करीले है। फिर उसके नीचे जो नीचे जो दिया है वो आपका हेडलाइट हाई बीम करीले है। फिर उसके नीचे जो दिया है आपका EMS करके, वो आपका इंजन मॉड्यूल सिस्टम का है। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में दिया आपका रेडिएटर फैन, वो आपका लो स्पीड जो फैन घूमता है उसका है। फिर जो राइट साइड में दिया है रेडिएटर फैन, वो आपका हाई स्पीड में जो घूमता है वो उसका है। फिर आ जाते हैं हम आगे। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों अगले फ्यूज बॉक्स में। जो 20 एम्पीयर दिया है फ्लेशर मतलब लाइट का है, इग्निशन जो चाबी ऑन करते हैं उसका है, वाइपर वाशर जो ब्लेड साफ करते हैं वो उसका दिया है। उसके बाद अगला दिया है 5 एम्पीयर IC मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर का है। उसके बाद है EMS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल सिस्टम। उसके बाद अगले नीचे में भी दिया है आपका EPAS, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पावर एसिस्ट स्टेयरिंग इग्निशन का है। उसके बाद जो 15 एम्पीयर दिया है स्टॉप और ब्रेक लाइट का है, रिवर्स जो लाइट जलता है वो उनका दिया है, और हार्न बजता है वो उनका, तीनों एक में दिया है। उसके बाद है अगला 5 एम्पीयर का, ये आपका है SWVSS का मतलब है आपका जो गियर बॉक्स लगा रहता है व्हीकल स्पीड सेंसर वो उसका दिया है। फिर उसके बाद आपका 15 एम्पीयर, ये आपका वाल्व लैम्बडा का है। फिर इधर लास्ट में जाते हैं 15 एम्पीयर, ये आपका ACC मतलब AC कंप्रेसर मोटर का है। फिर उसके बाद जाता है नीचे 5 एम्पीयर, ये आपका दिया है GPS, ये आपका है ग्राउंड पॉजिटिव सिग्नल बैटरी वो उसका है। फिर उसके बाद दिया है 10 एम्पीयर, ये आपका पैसेंजर लैम्प का है, जो लैम्प जलते हैं गाड़ी अंदर वो उनका है। फिर दिया है उसके बाद 15 एम्पीयर, ये आपका हेडलाइट लैम्प हाई बीम का है। फिर उसके बाद दिया है 15 एम्पीयर हेडलाइट लैम्प लो बीम का है। फिर उसके बाद दिया है 30 एम्पीयर ECU मतलब इंजन कंट्रोल यूनिट बैटरी सप्लाई जो सिग्नल आते हैं वो उसका दिया है। फिर उसके बाद दिया है 5 एम्पीयर क्रैंक, ये जो आपका क्रैंक सेंसर का है। फिर उसके बाद दिया है 10 एम्पीयर, ये आपका रिले जो क्वाइल्स और इंडिकेटर जो लाइट जलते हैं वो उनका है। फिर उसके बाद दिया 15 एम्पीयर म्यूजिक AC कंप्रेसर का, ये दोनों एक में दिया है। फिर उसके बाद है लास्ट में 15 एम्पीयर IC करके, ये भी आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो लाइट जलते हैं मीटर में उनका है। फिर आपका है पार्किंग लाइट और जो फ्लेशर है वो उसका सारा कुछ इसका दिया है। और डायग्नोस मतलब जो सेंसर लगे रहते हैं OBD1 OBD2 जो भी सेंसर लगाते हैं वो उसका है। तो गाइस, मैंने इंट्रा V30 का जो सारा कुछ है फ्यूज बॉक्स है मैंने बता दिया क्या क्या काम आता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।